हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। सो आज मैं बात करूंगी बेसिकली अपनी रिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में। काफ़ी क्वेश्चंस आ रही थे, काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि मैम आपने प्रिपेयर कैसे किया, क्या कुछ हार्डशिप्स आई, और प्रिसाइज टिप्स की किया कैसे, क्या क्या बुक्स वगैरह रेफ़र की। तो आज मैं अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विद थोड़ा सा रूटीन बताती हूँ कि मेरा दिन का रूटीन क्या रहता था। तो मेरा रूटीन रहता था कि मैं 10 से लेकर 4 बजे तक सोना रहता था मेरा, और ये मैं आई यूज़ टू स्टिक हार्डली टू इट, आई मीन हार्डली एज एन स्ट्रिक्टली टू इट। तो 10 बजे सोना, 4 बजे उठना। बीइंग अ मॉर्निंग पर्सन, सुबह मेरी पढ़ाई अच्छी होती थी। 4 बजे उठने के बाद रात को 10 बजे तक सोने तक आप डेली रूटीन एक्टिविटीज़ का थोड़ा टाइम निकाल दीजिए, खाना पीना और नहाना वहाना। उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम जाता था वो सारा एक्चुअली रियली डेडिकेटेड वाली स्टडीज़ में ही जाता था। कई बार ऐसा होता था कि व्हाट्सएप वगैरह के कारण या इसके कारण डिस्ट्रैक्शन होता था, तो मैंने अपना व्हाट्सएप डिसेबल कर दिया था। जितने भी ग्रुप्स में मैं मेंबर थी, मैंने ग्रुप्स को एग्जिट मार दिया था। सो बेसिकली आई हैड टेकन अ बैक सीट फ्रॉम सोशल मीडिया कम्प्लीटली। साथ में मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली वगैरह की बात करती हूँ। देखिए, मैं एक 4 साल के बेटे की माँ हूँ। जब मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी आता था, क्योंकि मैं अपने बेटे से अलग रह के पढ़ाई कर रही थी। तो शुरुआत में मैं क्या करती थी कि मैं उसे वीडियो चैट वगैरह करती थी, बट आई फाउंड कि उससे मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, बिकॉज ज़्यादा इन्वॉल्व होने से वही थॉट्स माइंड में रहते थे। तो मैंने फिर और थोड़ा सा हार्ड डिसीजन लिया, आई कम्प्लीटली स्टॉप्ड इंटरेक्टिंग विद माई सन, विद माई मदर, फादर, एवरीबडी। मैं अपनी मासी के यहाँ रह के, गाँव में रह के तैयारी कर रही थी, और मैं लिटरली किसी से बात नहीं करती थी। और फंक्शंस, एनी सेलिब्रेशन, फ़ोन कॉल्स, और मैं सबसे मैंने नाता तोड़ दिया था। तो मेरा, आप 10 से 12 घंटे लगा सकते हैं कि हाँ, 10 से 12 घंटे डेडिकेटेड स्टडी के निकल जाते थे। उसके बाद मैं बात करती हूँ अभी छोटी छोटी चीज़ों की और बुक लिस्ट वगैरह की। देखिए, व्हेन इट कम्स टू बुक लिस्ट, मैं आपसे सिंसियरली अर्ज करूँगी कि मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली जो जो मैंने पढ़ा है सिर्फ वही बता रही हूँ। आप ये मत मानिएगा कि अच्छा, ये कैसे हो सकता है, इसने ये नहीं पढ़ा या वो नहीं किया। तो मेरी बुक लिस्ट इस तरीके से है। क्लास 6 की जो एक सोशल साइंस की बुक है वो मैंने कंप्लीट पढ़ी थी, जिसमें कुछ ज्योग्राफी का पोर्शन है और कुछ हमारा हिस्ट्री वगैरह का पोर्शन है, हड़प्पन कल्चर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। समहाउ, क्योंकि मैंने इस बुक से स्टार्टिंग की थी, तो आई डोंट नो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और नॉट, बट ये वाली बुक क्योंकि मैंने एक बार कर ली थी तो मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ की थी। क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक। इसके अलावा लोग बोलते हैं क्लास 6 to 12 सारी NCERTs करनी होती हैं। आई डिडंट डू दैट। मैंने बेसिकली जो फोकस किया था ज्योग्राफी, मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताती जाती हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT की क्लास 11 और क्लास 12 की टोटल मिला के 4 बुक्स हो जाती हैं, 2 each, वो पढ़ी थी। हिस्ट्री के लिए मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जो अपनी छोटे वाली स्पेक्ट्रम आती है, डार्क ग्रीन कलर की छुटकू सी किताब है, वो पढ़ी थी मैंने। जो अपना एंशंट वगैरह का पार्ट रहता है, एंशंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, उसके लिए तमिलनाडु बोर्ड की जो क्लास 11 की बुक है, आई डोंट नो वेदर यू विल गेट इट हार्ड कॉपी और नॉट, बट वो मैंने PDF डाउनलोड कर लिया था। उसी में हाईलाइट करती रहती थी, कमेंट्स वगैरह ऐड करती रहती थी, और उससे मैंने एंशंट और मेडिवल कवर किया था। आई फाउंड दिस बुक वेरी यूजफुल। इस बुक में एक्चुअली आई फाउंड कि ऑलमोस्ट हर सेंटेंस से आपका एक ना एक MCQ बन जाता है, स्पेशली रिगार्डिंग वो कितने कितने जो हमारे ऑफिसर्स के नेम होते थे मेडिवल टाइम्स में, अपना मनसबदारी सिस्टम, विषयपति, और जो भी अपने नाम वाम होते थे, मनसबदारी सिस्टम ये वो, और लिटरेचर के सारे, कौन सी किताब किसने लिख रखी है, अकबर के ज़माने में कौन सी किताब लिखी गई, ये सब हर एक सेंटेंस से MCQ बन सकता है। भक्ति मूवमेंट और अपने जो कर्नाटक वॉर्स, मैसूर वॉर्स, ये सब मैंने इस किताब से किया था। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया की किताब रेफ़र की थी। ये थोड़ी मोटी किताब है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसमें, हर एक सेंटेंस में बहुत बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो मैंने दिल लगा के तसल्ली से इस किताब को किया था। बट मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा इस पर रिलाय मत कीजिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि बुक के, इस बुक के कॉन्टेंट पर, बट आर्ट एंड कल्चर इतना एक्सट्रीमली वाइड टॉपिक है। आई फाउंड कि जितना मैंने उस पर मेहनत लगाया था उतना उसका आउटपुट नहीं आया। सो आउटपुट इनपुट रेशियो व्हेन वी सी, वो इसका थोड़ा सा कम था। सो माय रिकमेंडेशन इज़ कि सम पीपल से NCERT की जो आर्ट वाली बुक है, आई थिंक क्लास 11 की है, दैट इज़ क्वाइट गुड, तो परहैप्स यू कैन गो फॉर दैट। पॉलिटी की बात करें तो ऑफकोर्स लक्ष्मीकांत, कुछ लोग लक्ष्मीकांत के साथ DD बसु रेफ़र करते हैं, मैंने नहीं की थी। मैंने लक्ष्मीकांत का एक एक वर्ड किया था, कोई और बुक नहीं की थी।
इसके अलावा जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एक छोटी सी किताब है एनसीईआरटी की, आई डोंट नो 11th की है या 12th की, उसमें से मैंने दो चीज़ें की थी, एक एफपीटीपी सिस्टम और एक जो अपना होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इनका कुछ कंपैरिजन। तो ये कुछ दो पेजेस थे जो मैंने इस बुक से किए थे, क्योंकि दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट, वो मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किए थे, बाकी बुक नहीं की थी। एनवायरनमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए जो प्रिंटेड नोट्स आते हैं मैंने वही किए थे, शंकर आईएएस के प्रिंटेड नोट्स फॉर एनवायरनमेंट, एंड सिमिलरली इकोनॉमी के लिए एक जो राउज या राम्स के थे, आई एम फॉरगेटिंग, तो ये वाला मैंने किया था। आई थिंक बुक के इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट ये सफिशेंट है। इसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे, मल्टीपल रिविजन्स, उसकी हर एक स्टैटिस्टिक, हर एक स्कीम का नाम बहुत थरेले किया था। बीच में फिर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स के लिए मैंने सारा ऑनलाइन सोर्सेज रेफ़र किए थे, इनसाइट्स ऑन इंडिया इज़ द वेबसाइट। माई डेली शेड्यूल यूज़ टू बी कि मैं उसके डेली के 8 जो डिटेल्ड सिक्योर इनिशिएटिव के क्वेश्चंस होते हैं वो रजिस्टर पे लिख के आंसर्स कंपेयर करती थी बाकी स्टूडेंट से, डेली MCQs में उसके सॉल्व करती थी, पहले करंट अफेयर्स पढ़ना, एडिटोरियल पढ़ना और डेली के MCQs सॉल्व करना। दिस यूज़ टू बी माई डेली टाइम टेबल फॉर द करंट अफेयर्स पोर्शन। या सो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी एंड बुक लिस्ट दिस इज़ डन। फॉर प्रिलिमिनरी माई एडवाइस टू यू वुड बी, टेस्ट सीरीज़ कोई भी करिए आप, एक ही कर लीजिए, मैंने एक ही की थी, बाकी लोग बोलते हैं कि कायदे से दो करनी चाहिए, मैंने एक ही की थी इनसाइट्स ऑन इंडिया की, और मैंने उसे मल्टीपल रिविजन्स दी थी, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ करिए, स्पेशली फुल लेंथ टेस्ट पे फोकस रखिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए और उन क्वेश्चंस को मार्क करके जो जो आपके गलत हुए हैं उन्हें कई बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो दैट विल स्टिक टू योर माइंड। सो या दैट इज़ गोइंग टू बी माई एडवाइस फॉर प्रीलिमिनरी। वेन इट कम्स टू माई ऑप्शनल विच इज़ सोशोलॉजी, मैंने सेल्फ स्टडी किया था, घर पे बैठ के ही प्रिपेयर किया था। तो मैंने किया क्या था, मैं मार्केट से जाके नोट्स ले आई थी, तीन, एक उपेंद्र सर के नोट्स जो उनके हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं मार्केट में, एक महापात्रा सर के नोट्स, और इसके अलावा मैंने कुछ कुछ बुक्स ले ली थी, हरलम बोस मोटे वाली ली थी, डार्क ब्लू वाली। तो ये तीन मेरे मेन सोर्सेज थे और मल्टीपल टाइम्स इन्हीं चीज़ों की मैंने रिविजन ली थी। महापात्रा सर के नोट्स को मैंने सिर्फ पेपर टू के लिए पढ़ा था और उपेंद्र सर के नोट्स को मैंने पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए पढ़ा था। और जो अपनी हरलम बोस है उसमें से कुछ कुछ सेक्शंस हैं, मैं लेटर ऑन आपको उसकी डिटेल दे दूँगी कि कौन कौन से पेज वाइज मैंने पढ़े थे। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। ये सब पढ़ने के बाद कुछ कुछ समझ आना शुरू हो गया था, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ थोड़ा पढ़ना खुद से टफ हो रहा था, लेकिन लेटर ऑन जब जाके मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो जो जो डाउट थे दे आर ऑल्सो गॉट क्लियर। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर ऑप्शन। एक और मैं बताना चाहूँगी, मेन्स आंसर राइटिंग के परस्पेक्टिव से चार चीज़ों का ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स से लिंक करिए, यूज़ अ लॉट ऑफ स्टेटिस्टिक्स, यूज़ द नेम्स ऑफ कमेटीज, एक्सपर्ट कमेटीज़ विच आर यू नो कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स, एंड यूज़ अ लॉट ऑफ डायाग्राम्स, बीट फ्लो चार्ट्स और एनी अदर पिक्चर। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स विल एनरिच योर मेन्स का आंसर। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि देखिए प्रॉब्लम्स बड़ी आई थी, ठीक है, और बीच बीच में बहुत बार ऐसा महसूस होता था यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। आपको ये ना लगे कि हाँ हर कोई टॉपर यही कहता है कि मुझे विश्वास नहीं था मैं बन जाऊँगा ये, मैं आपको जेन्युइनली दिल से और ऑनेस्टली बोल रही हूँ, बहुत बार ऐसे थॉट्स आते थे गिव इट अप, तू कहाँ इतनी लंबी जॉब करने के बाद अपना इतने लंबे समय और छोड़ के आ गई है। बट उस टाइम पे मैं अपना सिर्फ और सिर्फ माइंड में अपना एम लाती थी, जिस एम के साथ, जिस जज्बे के साथ शुरुआत की थी, लेट मी कॉन्टिन्यू दैट। और अपने कई बार फ्रेंड्स वगैरह से बात कर लेती थी, भाई से, पापा से, माँ से, और रोना आता था तो रो के निकाल देती थी। सो मतलब इन सब तरीक़ों से मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया। लास्ट ईयर के जो टॉपर्स वगैरह होते थे उनके इंटरव्यूज़ वगैरह काफ़ी पढ़े थे, उनमें से कुछ कुछ टिप्स ली थी। सो या पीपल, दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी, दिस इज़ वॉट आई फॉलोड। बाकी आपके कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो आई बी रेडी टू आंसर दैम इन कॉमेंट्स। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग डेली नॉलेज ट्रैक।